गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th। हमने कल पॉन्ड लॉ के बारे में स्टडी की थी और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं एबोल्यूशन होने के बाद, वो स्टडी की थी। उसी इफेक्ट्स के अंदर ही हमारे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने से कल रह गए थे, जो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉन्ड लॉ के एबोल्यूशन में क्या इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर हमने कल 6 इफेक्ट्स को स्टडी किया था, आज हम 7th इफेक्ट स्टडी करेंगे। और वहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल्स इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया इन द 19th सेंचुरी इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ। देखिए कि जब ब्रिटेन के अंदर प्राइस डाउन हुए और डिमांड इंक्रीज हुई, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो अराइज हुआ और प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ, तो उस कंडीशन में उनके पास दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुई। एक तो लेबर की, यानी कि जो काम करने वाले मजदूर हैं उनकी, और उनके रहने की अवेलेबिलिटी करवाने की। दूसरी जो उनके सामने कंडीशन अराइज हुई कि वो कैपिटल अवेलेबल करवाना कि जिससे कि वो बिजनेस को वर्किंग जो है वो रन कर सके स्मूथली। तो यहाँ पर ऐसे पीपल्स भी, यानी कि जो मिलियंस के हिसाब से माइग्रेट होकर उस जगह पर आ गए थे, यानी कि जहाँ पर ब्रिटेन को देखकर अदर नेबरिंग कंट्रीज ने अपनी लैंड को क्लीन कर दिया था ओनली फॉर द कॉर्न प्रोडक्शन, और वहाँ पर कॉर्न का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, तो इसलिए वहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ रही थी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही थी। तो एक इफेक्ट जो है ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के कुछ जगहों पर जिन फार्मर्स ने अपनी खेती को क्लीन कर लिया था और वो चाहते थे कि हम सिर्फ कॉर्न का प्रोडक्शन कराएं, वहाँ पर मिलियंस पीपल्स जो थे, यानी कि वर्कर जो थे, वो माइग्रेट होकर अपने बर्थ प्लेस से वहाँ आकर एस्टेब्लिश हो गए, जहाँ पर उन्हें रहने के लिए घर भी दिया गया और काम करने के लिए बेटर लाइफ भी प्रोवाइड कराई गई 19th सेंचुरी के अंदर हुआ। उसके बाद समटाइम्स फूड के, और अब जो नेक्स्ट इफेक्ट पड़ा वो क्या किया, ये एक इफेक्ट ऐसा है कि जो हमें देखने के लिए मिला कि उस समय तक हजारों मील दूर से, यानी कि अदर कंट्री से क्रॉप का, यानी कि गुड्स का इंपोर्ट होने लगा, यानी कि जो कंट्री के पास क्रॉप नहीं थी उन्हें शिप्स के थ्रू, उन्हें रेलवेज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा और वहां तक पहुंचाया जाने लगा, जिसकी वजह से हार्बर्स की ज़रूरत पड़ी, रेलवे ट्रैक्स की ज़रूरत पड़ी, उनको भी एस्टेब्लिश किया गया, यानी कि उनको भी एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद एक और इफेक्ट दिखाई दिया कि जब अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और ये सब काम ब्रिटेन के बाद हुए, ब्रिटेन कंट्री के अंदर जो रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ उसके बाद हुए, तो ये देखने के लिए मिला कि टोटल वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ, एक एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि हर कंट्री ये चाह रहा था कि मैं अपनी क्रॉप का जिस नेचर की क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा हूँ उस नेचर की क्रॉप को चेंज करके मैं कॉर्न का प्रोडक्शन कराना स्टार्ट कर दूँ। तो समझ लीजिए ये एक क्या है, ये एक आपकी खेती की क्रांति है जिसे नाम दिया गया ग्लोबल एग्रीकल्चरल का, और उसी ने बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी को डेवलप किया। कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी बैलेंस नहीं थी, कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं थी, तो ये वो कंट्रीज उन्होंने कॉर्न लोग जो है कॉर्न की
प्रोशन करके अपने यहाँ पर उस एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट करके अपने यहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन को बेटर बनाया, अपने यहाँ की इकोनॉमी को बैलेंस किया। ये सब जो है ये कॉर्न लॉ के जब एवोल्यूशन हो गया उसके यहाँ पर इफेक्ट्स बताए गए हैं, कॉर्न लॉ के इफेक्ट्स। तो यहाँ पर हमारा ये इफेक्ट्स का पोर्शन था, ये हमारा पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ग्रेट डिप्रेशन की, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेट डिप्रेशन। कॉर्न लॉ भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन भी अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस ग्रेट डिप्रेशन के बारे में ये कहा गया है कि 1930 के अंदर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हर जगह पर कि जहां आपका प्रोडक्शन भी डिक्लाइन होने लगा, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्लाइन होने लगा, आपकी इनकम भी इफेक्ट करने लगी और आपका बिजनेस ट्रेड भी इफेक्ट करने लगा। उसमें दो कंडीशंस हैं, एक कि जब आप डोमेस्टिक कंट्री में ही बिजनेस कर रहे हो वो इफेक्ट होता है, या फिर आप कोई अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन रख रहे हैं वो इफेक्ट होता है। तो यहां पर हर वो चीज चाहे वो डोमेस्टिक हो या आपकी एब्रॉड की हो, फॉरेन कंट्री के साथ आप ट्रेड कर रहे हो वो इफेक्ट हो रही हो, तो चाहे वो प्रोडक्शन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो, तो हर तरह की हर चीज जो इस इन चार फैक्टर्स के अंदर में आ रही है वो सब इफेक्ट हुई है। उस पूरे ईयर को हम यानी कि 1930 को हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। यहाँ पर यही मतलब बताई गई है कि ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड 1929। ये डिप्रेशन जो था जो प्रोडक्शन के पॉइंट पर आया या एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग हुआ या इनकम के रिगार्डिंग हुआ या ट्रेड के रिगार्डिंग हुआ वो 1929 से स्टार्ट हुआ और 1930 तक चला। तो अब आप ये इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ग्रेट डिप्रेशन के ईयर के अंदर वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर ये डिप्रेशन जो है, ये पूरा साल जो है वो प्रोडक्शन के पार्ट पर बहुत डिक्लाइन रहा, एम्प्लॉयमेंट के पार्ट पर डिक्लाइन रहा। यानी कि कंडीशन ये आ गई हर हर कंट्री की उस पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं था, चाहे वो प्रोडक्शन का सेक्टर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर हो, या इनकम का सेक्टर हो, या ट्रेड का सेक्टर हो, ये सारी चीजें जो हैं वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ कराने के लिए, उसके डेवलपमेंट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जब इनके अंदर ही क्या कहना चाहिए डिप्रेशन अराइज हो गया, इनके अंदर ही डिक्लाइनिंग अराइज हो गई, तो समझ लीजिए कंट्री की अपनी इकोनॉमी जो है वो अभी भी स्टेबल नहीं रही। इसलिए उस साल हर कंट्री की हर गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को जो है फेस किया और उस क्राइसिस को गवर्नमेंट के साथ साथ वहां के सिटीजन्स ऑफ ए नेशन ने भी फेस किया, क्योंकि वही तो एक सोल है कंट्री के लिए। सिटीजन जो है वो सोल है और सिटीजन के लिए सोल है वो उनकी इनकम है, उनका एम्प्लॉयमेंट है। और जब उनकी इनकम और उनका एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया, बिजनेसमैन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया समझ लीजिए और ट्रेड डिक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली जो है उसका इफेक्ट जो है आपकी इनकम पर, आपकी सोसाइटी पर, आपकी इकोनॉमिकल पार्ट पर, आपके सोशल पार्ट पर, सब पर पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही ग्रेट डिप्रेशन वाले ईयर से वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज की जो कंडीशन थी वो इकोनॉमिकली वीक होना स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद इसके कॉजेस क्या क्या हैं ग्रेट डिप्रेशन के, कि ये ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे क्या कॉज है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे।